ये हमारा दुकान चेक लेने का तीसरे दिन है और तीसरे दिन के दिन हमारे अभी सामान लेने जा रहे हैं। सामान लेने के बाद हम अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो कितना सामान लाया और वो आगे बताएंगे आपको। तो अभी तो मैं सामान देख रहा हूँ क्या खत्म हो चुका है। देखो यहाँ एक साबुन है, ये खत्म हो चुके, दो तीन ही पड़े। मैंने वो बहुत सारे साबुन देखो, ये भी एक दो पड़े, तो अलग अलग तरह के साबुन में यहाँ पे पट्टी में लिख रहा हूँ। देखो हमारे पास फेविक्विक आती है 5 रुपए वाली, ये खत्म हो चुकी है, एक ही पड़ी है, तो इसको भी लाएंगे, बहुत सारी इसमें लिखेंगे। अभी मैं पेन अंदर रख के आया हूँ तो थोड़ी देर बाद अभी मिलते हैं। पहले सामान लेके आते हैं फिर मिलेंगे आपसे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी अभी थोड़ी, क्या ज्यादा रात हो, दुकान बंद होने वाली है जल्दी से। मैंने पैसे गिने लिए, पैसे तो ले लिए मैंने, और इनके बिना गिने लेके जा रहा हूँ, क्योंकि रात हो गई ना इसलिए दुकान बंद हो जाएगी। पहले सामान लाते फिर आपको बता देंगे कितने का सामान है और कितने रुपए वहाँ पे जाके। देखो गाइस हम सामान लेके वहाँ निकाल लेते हैं, लेकिन आज इसके अंदर सामान है जो ये रही गोंद जो भी यहाँ पे टाकेंगे हम, यहाँ ये रही बूंदी की लड़ी, ये रही कपड़े की लड़ी, ये रही पास वाली नमकीन, एक ही आ गया हमारा पाली बिस्कुट खुली नमकीन, लाल मैगी, थोड़ा साबुन। फटाफट से सामान को जमाते हैं, ये लग गया हमारा साबुन, लगा देते हैं मैगी, पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट, ये नमकीन के पैकेट फाड़ लेते हैं और रोटी लगाते हैं। बोले 5 वाली इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमने इसको हटा दिया और यहाँ पे नई वाली लगा दिया। अब इसको अंदर रख देते हैं, इसको आएगा जो यहाँ से देखो नमकीन में यहाँ पर रख। मैंने पूरा सामान अच्छे तरीके से जमा दिया है और आपको मैं कल कुछ 2-3 दिन से अपन चैलेंज कर रहे हैं, हमारा तीसरा दिन है, लेकिन 2 दिन में कुछ नोट करना भूल गया था, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको बताते हैं उससे पहले अंदर चलते हैं, अंदर जाके बताता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ दूध की थैलियाँ पड़ी हुई है, ये थैली हमारे घर में इस्तेमाल होती है रोज की, हमारे 75 रुपए का दूध इस्तेमाल होता है 3 थैली, यानी 1 25 की आती है, तो 3 थैली यूज करते हैं हम रोज। हमें खर्च किया था ना उसका हिसाब हमने लिखा नहीं था, तो उसका हिसाब लिखेंगे और हम 2 दिन तक लिखे नहीं थे और आज तीसरा दिन है, इन तीनों का मिला के एक साथ लिख देंगे, तो वो कॉपी में चलेंगे उसके बाद लिखेंगे। चलो आज मैंने दूध की 11 थैलियां खरीदी है, 6 तो पहले एक बार खरीद के लाया, 5 एक बार लाया, तो ऐसे 11 हो गई, और 6 की थैलियां खत्म हो चुकी है और मैंने 5 खरीदी थी आज, और 5 खरीदते ही थोड़ी देर बाद बिक गई जो मैं दिखा नहीं पा रहा। ये मेरे हाथ में सामान की पर्ची जो हमने अभी सामान खरीदा था उसकी, तो इसके अंदर हमने 2 दुकानों सामान खरीदा, एक जगह से हमने लिया 92 रुपए का सामान और यहाँ पे पूरी पर्ची बनी हुई 1033 का सामान लिया, तो दोनों को जोड़ के एक साथ लिखेंगे। और मैं लेके गया था पूरे 1500 रुपए, मैं वहाँ पे यहाँ पे गिना नहीं था, लेट हो रहे थे और जाके दुकान पे गिना था ना, तो पूरे 1500 रुपए थे। तो यहाँ पे नोट करते हैं फिर देखेंगे और क्या दुकान में काम करना है। और दोस्तों कई लोगों को डाउट होगा कि भाई शुरुआत में तो वीडियो चालू करने से पहले तो पीली टी शर्ट थी और फिर लाल कैसे हो गई, तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी, मैं 1-2 दिन से चेंज नहीं करा था, इसलिए 1-2 दिन में कपड़े चेंज करता हूँ, इसलिए टी शर्ट मैंने चेंज कर ली थी। और यहाँ पे हमारी सारी बकरियाँ सो रही है, देखो ये सारे के सारे इधर बैठे हैं, क्या है कि बीच बीच में बहुत सारा सामान लाते रहते हैं। एक चीज और भूल गया, मैं लाया था 210 रुपए की 5 किलो चीनी, उस चीनी का भी नोट करना भूल गया, तो इसलिए आज जितने भी भूल गया था मैं सारे सामान वो आज के दिन में नोट करके लिख देंगे तीसरे दिन के अंदर, यानी day 3 चल रहा है हमारा। और आज मैंने 50 रुपए की सब्जी खरीदी थी, यानी मैंने फली खरीदी थी घर में बनाने के लिए, और पेन लेके हम आ चुके हैं और हम वहाँ पे लगाते हैं अपना जोड़। पहले तो यहाँ पे 3 नंबर लगाते थे, हमारा day 3 है आज और यहाँ पे 25 तारीख लगा दिया, और 11 थैली दूध लाए हम 275 का, तो 275 नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि छाछ का भी पैसे जोड़ने हैं। तो मैं भूल गया था, 5 थैली छाछ 11 थैली दूध दोनों का मिला के हो गया 355 रुपए, तो यहाँ पे मैं 355 लिख देता हूँ, ये 355 का चारा 60 रुपए का चारा आ गया हमारा। day 3 चल रहा है, तो 3 दिन के अंदर हमने दूध का हिसाब लिखा नहीं था, तो 3 दिन के अंदर हमारे 10 थैली दूध यूज हो चुका है, तो यहाँ पे कर लेते हिसाब, 10 × 25, तो यहाँ पे ये बराबर आ गया 250 रुपए, 250 रुपए दूध के हो गए, 250 में 50 रुपए कल मैंने फली लाया था सब्जी, तो 250 में 50 और जोड़ लेते 300 हमारा घर खर्च का हो गया, ये हमारा आज का हिसाब हो गया, इसमें दूध के 3 दिन के पैसे जुड़े हैं। लेकिन और कल सामान लेने गया था जब 1500 रुपए लेके गया था, 1033 का एक दुकान से सामान खरीदा और दूसरे की दुकान से मैंने 92 का सामान खरीदा, तो दोनों मिला के हो गए 1125, और 1125 में यहाँ पे ना 210 और जोड़ने, क्योंकि मैं चीनी लाया था ना, ये भी जोड़ लेते 5 3 3 1, तो 1335 यहाँ पे नोट करते हैं अपन, ये लो ये हो गया आज का हिसाब। day 3 कंप्लीट हो चुका है और हमने पूरा शेड्यूल आपको पूरा समझा दिया, हमने जो भी पहले मिस्टेक कर दी थी ना कुछ जोड़ने में, क्या है कभी कभी बीच बीच में सामान लिया थे तो उसका जोड़ नहीं पाए थे, तो आज हमने पूरी कैलकुलेशन लगा के पूरा हिसाब जोड़ दिया, तो हमने सारा आज तक का पूरा कंप्लीट कर दिया। हम नेक्स्ट डे में मिलेंगे, यानी day 4 में मिलेंगे।